हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा दरिया के किनारे किनारे जा रहा था, मैंने देखा कि जंगल से एक बड़ा बिच्छू, हमने तो दोनों इंच का बिच्छू देखा है ना, लेकिन बहुत बड़े बड़े पहाड़ी बिच्छू भी आते हैं, उनकी साइज बड़ी होती है। एक बड़ी साइज का बिच्छू जंगल से चलता चलता आया, दरिया के किनारे आया, खड़ा हो गया, अचानक पानी में से कछुआ निकला, दरिया से कछुआ बाहर निकला और वो बिच्छू कछुए के बीच में सवार हो गया और वो कछुआ तैरने लगा। अगर तो जरूर इसकी सोच में पड़े जा रहा, ये सिस्टम क्या है, समंदर के जानवर को किसने बताया कि बिच्छू है और बिच्छू को कैसे पता कि इसने बीच पर जाकर मुझे दरिया पार करना है। आखिर ये बिच्छू जा पा रहा है और ये कछुआ उसे कहां ले जाएगा, इसी सोच में थे अल्लाह के वली है। कहते मैंने दुआ मांगी कि मौला मुझे इस राज को पास करके बता दे, ये राज क्या है मैं कसाई करूं। कहते अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ दोनों इस राज को अगर जानना चाहता है तो पीछा कर। कहते मैंने अल्लाह का नाम लिया और दरिया पर कदम रख दिया, खुदा की कसम दरिया के पानी पर ऐसे चलने लगे जैसे इंसान जमीन पर चलता। उसके पीछे 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 गए तो उस कछुए ने दरिया के उस किनारे जाकर बिच्छू को कुश्ती पर उतार दिया। आप उस बिच्छू के पीछे चले, वो बिच्छू आगे आगे दोनों बिच्छू पीछे पीछे हमें चला गए, पीछे पीछे जाए।
भाइयों, मैं फिर एक मरतबा सलाम करता हूँ आपको, मैं दुआ देता हूँ, आप पटना के जवाब में दुआ देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।